हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आज के ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैब के बारे में, टैब और टैब्स की सेटिंग्स के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो लेटेस्ट मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन और आपके मेल्स तक पहुँच जाए। तो देखिए, टैब्स में कुछ कॉन्टेंट हैं, टैब लोकेशन, अलाइनमेंट और लीडर ऑप्शन। हम पहले बात करेंगे टैब लोकेशन की। देखिए, टैब को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, टैब हमेशा पैराग्राफ में ही यूज़ किया जाता है और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। और टैब ऑप्शन जो है लगभग सभी जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें अवेलेबल होता है और ये एक बहुत यूज़फुल कमांड है। तो चलिए देखते हैं, टूल बॉक्स में ये जो ए लिख रहा है टेक्स्ट टूल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसा कि हम जिसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स या फिर पैराग्राफ बॉक्स, इसको मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक में जो एल शेप जो बनी हुई है, यही टैब कहलाती है। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए पहले हमें इसको जो भी ये बने आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी होंगे उसको पहले हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल आपका एक्टिव होना चाहिए और आप जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक है आप इसको दबाए रखेंगे, दबाए दबाए आप उसको नीचे को ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आप ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और आप चाहते हैं इसको एक बार में ही रिमूव करना, तो जैसा कि आपने ये बना रखा होगा जी, आप जब ड्रॉ करेंगे जब आएंगे आप जाएं टेक्स्ट ऑप्शन पे और आप जाएं टैब्स पे। देखिए, जो भी आपने वहाँ पैराग्राफ में जो आपने टैब्स लगा रखे होंगे वो यहाँ दिख रहे हैं, आप कर दें रिमूव ऑल और ओके। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊँ, देखिए ये आपने ड्रॉ किया और टेक्स्ट में गया मैं टैब्स और मैंने रिमूव ऑल किया, ओके। देखिए मगर ये यहाँ से नहीं गए फिर भी लगे हैं क्योंकि आपने विंडो को जो है रिफ्रेश नहीं किया है। कोरेलड्रॉ में जब हैंग सा होने लगता है और हमें लगता है कि कोई जो हमने वर्क किया है वो नहीं दिख रहा, तो आप विंडो को रिफ्रेश करें कंट्रोल डब्लू प्रेस करके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टैब लोकेशन। अब हमने सीखा टैब को रिमूव करना, हम देखेंगे टैब को लगाना। ठीक है, मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज ले लेता हूँ एक, यहाँ मैं एक छोटा सा कैश मेमो बनाता हूँ जिससे कि आपको टैब को जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एसआर नंबर, ठीक है, तो आपको पता है जो एसआर नंबर होता है वो छोटा ही होता है सबसे पहला कॉलम, और आपको पता है इतना आप गैप रखने वाले हैं, इसके बाद आप जो आपका प्रोडक्ट नेम है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ 1.5 इंच पे आपको करना है एक सिंगल क्लिक। तो देखिए यहाँ एक टैब लग गया ऑटोमेटिकली। आप इसको चाहें, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं, आप इसको चाहें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा टैब आपको पता है कि आपने 4.5 पे एक ले लिया, ये ज़्यादा लगता है आपको तो आप उसको लेफ़्ट क्लिक दबाए इसको ड्रैग करके यहाँ भी ला सकते हैं। तो देखिए आपका सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी और ये आपका अमाउंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, टैब दबाया और देखिए यहाँ आ गया आपका प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको ये लगता है कि इसके बीच में थोड़ा स्पेस कम है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो टेक्स्ट टूल है वो इसके आगे होना चाहिए या फिर आप कंट्रोल ए दबा लें, सबको सेलेक्ट कर लें और इसको आपको मूव कराना है, थोड़ा सा इधर ले जाएं कोने में ताकि आपके पास अगर स्पेस है तब बिल्कुल ही ठीक से वर्क करें। अगर आपका माउस नीचे को ड्रैग चला गया तो वो टैब्स हट जाएगी, जैसा अभी हो गया था मेरे से। ठीक है, और इसको यहाँ ले आए, थोड़ा सा खुला खुला रहेगा बीच में तो ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा इधर कर दें। अब आपने एक बार टैब सेट कर दिया, अब आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। अब आप एंटर प्रेस करें, आप सीरियल नंबर डालें 1 और प्रोडक्ट नेम जैसे कि आप मान लीजिए डाल दीजिए टी शर्ट जिसका रेट है 250 रुपये और आपने ख़रीदी है 2, अमाउंट हो गया आपको 500 पैसे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने ली है टी शर्ट के बाद जीन्स जिसकी कीमत है 800 रुपये, आपने ख़रीदी है 1 और ये हो गया 800। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने ख़रीद लिया टी शर्ट हो गई, जीन्स हो गई और आप एक जैकेट ख़रीदते हैं जो 4000 रुपये की है, आपने एक ही ख़रीदी और वो 4000 रुपये, 4.0
ठीक है, ये आप इसको सेट करते जाएंगे। तो आपने देखा कि इसको आप लोकेशन में टैब को ऐड और टैब को रिमूव कैसे करते हैं। आपको अब भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आप इसको कभी भी बीच में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए दूसरी चीज़ जो आती है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारी कैश मेमो होती है, जब हम कुछ भी एक वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सेंटर अलाइनमेंट होती हैं, कुछ लेफ्ट और कुछ राइट। तो देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट नेम है, मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, तो सेंटर अलाइनमेंट का आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल एक्टिव करना पड़ेगा और आप कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये मेथड ऐसा भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट में जाएँ और टैब्स पे क्लिक करें, आपको पता है ये वन पॉइंट, आप यहाँ टैब देख लें आपका 1.5 आपका ये वाला टैब है, आप इसको सेंटर कर दें और ओके, ठीक है ये सेंटर हो गया है। मगर आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना, आप अपना जो भी वर्क करें, मैं चाहता हूँ आप शॉर्टकट सीखें, तो आपको क्या करना है कंट्रोल ए प्रेस करें आप और इसी के स्ट्रेट में आप जो उसके सामने जो दो आप एल शेप देख रहे हैं, ये टैब देख रहे हैं, इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ आप कर दें सेंटर। तो जैसे आप सेंटर करेंगे, देखिए आप उसको यहाँ लेके आएंगे, तो देखिए आप उसको मूव कर सकते हैं। और हमेशा जो आपका जब आप इसको मूव करें तो ध्यान रखिए आप आपका माउस नीचे की तरफ ना आए, अगर आप जैसे ही नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वो टैब हट जाएगी, आप ऊपर ही ऊपर उसको रखें, ठीक है। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो अमाउंट वाला सेक्शन है इसको मैं राइट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो डिजिट्स होती हैं, जो हमारे जो लास्ट में जो पैसे की डिजिट्स होती हैं, वो राइट अगर अलाइनमेंट हो तो अच्छी लगती हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सेलेक्ट कर लें आप कंट्रोल ए से या फिर मैनुअली जैसे भी, और ये आप देख रहे हैं इसके स्ट्रेट ये वाला टैब है, इस पर आप राइट क्लिक करें। अब आपको करना है राइट टैब, जैसे आप राइट टैब करेंगे देखिए जिसमें कुछ मिल जाएगा और आपका टैब ये है, तो आप इसको यहाँ लेके आएँ। देखिए अब जब जो भी एंट्री आप ऐड करेंगे, सॉरी आप जो भी एंट्री करेंगे फॉर और मैं कहता हूँ शूज़, मेरे जो शूज़ हैं वो 5000 के मेरे ही नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूँ, और वन, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या 5, देखिए वो ऑटोमेटिकली राइट चलेगा। तो अगर आप ऐसे वर्क करते हैं तो देखने में भी और एक प्रोफेशनल यूज़ में लुक आता है, तो वो अच्छा लगता है। जो अगला जो ऑपरेशन है अगला जो ऑप्शन है वो है लीडर ऑप्शन। लीडर ऑप्शन एक बहुत ही यूज़फुल कमांड है, उसके लिए मैं रेफरेंस लेता हूँ, चलते हैं। देखिए आपने देखा होगा एक फॉर्म होता है, आप जनरली एक फॉर्म बनाते हैं, मैं पैराग्राफ एक टूल एक्टिव कर लेता हूँ, ये मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, और आप देखिए इसमें जैसे लिखा है नेम, क्वालिफिकेशन, क्लिनिक एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप फॉर्म बनाते मतलब आप फॉर्म बनाते हैं, देख लीजिए मैं फॉन्ट टू टाइप बढ़ा लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा नेम। अब आपको क्या करना पड़ता है, कौन लगा के आपको ये जो डॉट वाला जो हमारा की वो है बटन, उसको आपको दबाए रखना पड़ता है या फिर आपको अंडरस्कोर दबाए रखना पड़ता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका पेज काफ़ी लंबा है तो आपको ये दबाए रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, टैब्स में लीडर ऑप्शन, आप क्या करें, देखिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये सारी जो टैब्स हैं उसको हटा लें। आप टैब्स हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैब्स उसमें जाएँ, टैक्स में जाएँ और टैब्स और रिमूव ऑल और ओके, ठीक है कंट्रोल डब्ल्यू। इसी आप यहाँ कुछ टाइप कर लेंगे, आपको पता है कि आपको जो टैब्स देंगे उसका एंड पॉइंट यहाँ है, वो यहाँ तक ही होना चाहिए, जो आप नाम लिखते हैं उसका एंड पॉइंट यहाँ तक होना चाहिए 6.5 तक। तो यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ए या फिर आप जाएं टेक्स्ट पर टैब और यहाँ जो लीडर ऑप्शन है आप इसको कर लें ऑन, ठीक है। और ये जो आप दिख रहे हैं लीडर ऑप्शन, इस पर कर दें क्लिक। यहाँ आपको पहले पूछेगा ये कैरेक्टर आपको कौन सा चाहिए, आप डॉट्स चाहते हैं या फिर अंडरस्कोर चाहिए आपको। बेसिकली रेफरेंस में आप देख सकते हैं अंडरस्कोर है, तो मैं पहले अंडरस्कोर करके दिखाता हूँ आपको। और स्पेसिंग का ध्यान रखें, अगर आप स्पेसिंग नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा डैश 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 सा नज़र आएगा, आप स्पेसिंग को कर दें 0 और आप करें ओके, ठीक है ओके। अब देखिए जैसे आप टैब बटन दबाएंगे तो जहां आपका वो एंड था वहां तक ये टैब पहुंच जाएगा। और इससे मैं आपको यकीन बताऊं, आपका 99% आपका जो टाइम है वो बचेगा। आपने एंटर किया और आपने डाला फादर नेम, एड्रेस,
मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। ईमेल वेबसाइट ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आपका टाइम का, वरना आप उसको भी बस दबा ही रहे होते हैं। अब आपने जब जब सेट कर लें, आप पेस्ट कर लें, पहले आप इसका फ्रेम जो है वो छोटा कर लें। अब आप शिफ्ट टूल पर क्लिक करें तो बीच में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बन गया है। और अब जो फोटोज़ है ये कुछ कुछ ही सेकंड्स का काम होगा, तो आपका जो फॉर्म है वो उतनी जल्दी बन जाएगा, वो भी परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको कुछ इसमें कोई डाउट हो या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।